नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। रविवार को बाघमुंडा से लापता युवक के मृत शरीर को बरामद कर लिया गया। मालूम हो कि रविवार को गुमला से 18 से 20 की संख्या में पिकनिक मनाने हेतु लड़कों की एक टोली प्रखंड के बाघमुंडा आया हुआ था, जिसमें विश्वजीत नामक 23 वर्षीय युवक भी शामिल था, जो घूमने के दौरान जलप्रपात की ओर चला गया, जो काफी फिसलन भरी एवं खाई नुमा है। वहीं उसकी डूबने से मौत हो गई थी। हालांकि उससे डूबते हुए किसी ने नहीं देखा था, लेकिन डूबने की आशंका को देखते हुए सोमवार से ही पुलिस प्रशासन एवं स्थानीय लोगों की टीम युवक को खोजने में लगी हुई थी। इस मौके पर SDO संजय, PM कुजूर, SDPO विकास आनंद लागुरी, CO रविंद्र कुमार पांडे, BDO रविंद्र कुमार गुप्ता, सर्किल इंस्पेक्टर विनोद कुमार, थाना प्रभारी अनिल लिंडा समेत NDRF की टीम एवं स्थानीय लोग उपस्थित थे। उसके साथ पिकनिक मनाने आए कन्हैया सामंता ने बताया कि मृतक उसका चचेरा भाई था और वह पश्चिम बंगाल राज्य के गोले पुकुरिया वैष्णव छक पूर्वी मिदनापुर जिले का रहने वाला था। जीविकोपार्जन हेतु गुमला के जशपुर रोड स्थित एक होटल में रसोइये का काम करता था। मालूम हो कि बाघमुंडा पिकनिक स्थल में मौजूद पत्थर काफी फिसलन भरे हैं, साथ ही नदी की धारा काफी तेज होने और पूर्व में घटित हादसों को देखते हुए प्रखंड प्रशासन एवं स्थानीय पुलिस सावधानी बरतने और जोखिम भरे जगहों पर जाने से पर्यटकों को मना करती है और इस संबंध में जगह जगह बैनर और दीवार पेंटिंग के जरिए पर्यटकों को जोखिम भरे खतरनाक जगहों जाने से मना करती है। साथ ही मीडिया भी समय समय पर इससे संबंधित बातों को अखबार के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं, बावजूद पर्यटक इन खतरनाक जगहों पर चले जाते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।